कोलकाता रेप और मर्डर केस में सीबीआई अब आरोपी संजय रॉय का दिमाग डिकोड कर रही है। इसके लिए मनोवैज्ञानिक टेस्ट किया गया जिसमें सेमिनार हॉल के 35 मिनट का पूरा राज खुलेगा, जिसके लिए सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के एक्सपर्ट्स की एक टीम कोलकाता पहुंची। इस टेस्ट के जरिए ये पता चल सकेगा कि इस जघन्य अपराध को लेकर आरोपी संजय की क्या मानसिकता थी। साथ ही सीबीआई की टीम आरोपी की मानसिक स्थिति का पता लगाने की कोशिश करेगी। सूत्रों के मुताबिक आरोपी संजय रॉय से पूछताछ के लिए सीबीआई अब साइकाइट्रिस्ट की भी मदद लेगी, जिससे संजय रॉय की दिमागी हालत का पता चल सकेगा। सूत्रों से खबर ये भी है कि पूछताछ में संजय ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा है, इसी वजह से साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करने का फैसला किया गया है। टेस्ट के दौरान ये आरोपी जो जवाब दे रहा है उसके पीछे उसका सोच, उसके जहन में क्या काम कर रहा है, ये इसके ऊपर जो जवाब आरोपी दे रहा है, ये सारी चीज को मिला के आरोपी का इस अपराध के पीछे, कोई भी अपराध के पीछे क्या साइकोलॉजी काम किया होगा, इसके पीछे असली मकसद क्या होगा, ये सारी चीजें जाना जा सकता है। दरअसल आरोपी संजय रॉय के मोबाइल से कई अश्लील वीडियो बरामद किए गए। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के रेप और हत्या केस में सीबीआई शक के घेरे में मौजूद हर शख्स के साथ सवाल जवाब कर रही है। इसी सिलसिले में सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से लगातार दो दिनों तक पूछताछ की है, जिसमें कई सवालों के जवाब अभी सीबीआई को जानने हैं, जिसके लिए जांच एजेंसी ने आज तीसरे दिन भी संदीप घोष को पूछताछ के लिए बुलाया गया। इससे पहले शनिवार को सीबीआई ने 25 घंटे तक संदीप घोष से पूछताछ की। तो वहीं सूत्रों से खबर है कि मृतक डॉक्टर लेडी के परिवार ने सीबीआई को एक डायरी सौंपी है, जो मृतक लेडी डॉक्टर रोजाना लिखती थी। इस डायरी से भी सीबीआई को कई अहम सुराग मिल सकते हैं। एकदम हम लोग डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया, पहले से हम ये बोल रहा है, यही तो दिक्कत है हम लोगों का, जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। लेकिन इस डायरी के कई पन्ने गायब बताए जा रहे हैं। यहाँ का जो डायरी का बात हो रहा है, ये डायरी बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है अब सीबीआई के लिए, क्योंकि इन जो मृता जो लड़की है, ये गुजरा हुआ जो लड़की है, इनके पास से जो डायरी मिली है, उस डायरी में कुछ पन्ने एकदम नहीं है, कहां गया है वो पन्ने। हालांकि सीबीआई डायरी के एंगल को लेकर सचेत है और हर पहलू से इसकी जांच कर रही है। वहीं इस हत्याकांड पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने अस्पताल प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा किया और ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला है, और उन्होंने इस मामले में ममता बनर्जी पर सबूत नष्ट करने के गंभीर आरोप लगाए। शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस अपराध में एक से ज्यादा लोगों के शामिल होने की आशंका जताई, साथ ही सबूतों को मिटाने का भी आरोप लगाया। शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक मृतक डॉक्टर का विसरा भी बदला गया और दूसरी जगह हत्या करके बॉडी सेमिनार हॉल में रखने का आरोप लगाया। सबसे बड़ा सवाल जो उन्होंने उठाया, उसके मुताबिक यह हत्या पूरी प्लानिंग के साथ की गई। इससे पहले एक दिन बीजेपी के नेता ने यह भी आरोप लगाया था कि जिस तरह से दंगा और तोड़फोड़ हुई, उसे पता चलता है कि ये पहले से तय था। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की लेडी डॉक्टर की हत्या मामले की जांच सीबीआई के हाथ में है। इस बीच कोलकाता पुलिस ने दो अलग अलग मामले दर्ज किए, तो वहीं टीएमसी सांसद ने भी अब बड़े सवाल उठाए हैं। इसमें एक मामला गलत जानकारी फैलाने के लिए है, तो दूसरा पीड़िता की पहचान उजागर करने के लिए। इन दोनों मामलों में कोलकाता पुलिस ने दो डॉक्टर्स और बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी को नोटिस भेजा। लॉकेट चैटर्जी पर डॉक्टर की पहचान उजागर करने का आरोप है। टीएमसी नेता सुखेंदु शेखर को भी नोटिस भेजा, सुखेंदु पर भ्रामिक जानकारी देने का आरोप। डॉक्टर कुणाल सरकार और डॉक्टर सुबर्णो गोस्वामी को भी समन भेजा है। दोनों डॉक्टरों पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर गलत सूचना फैलाने का आरोप है। हम लोग पूरा देखे है कि कैसे मदद को, जैसे जैसे एविडेंस को छुपाने के लिए, जैसे दबाने के लिए लोगों को, हम लोग देखे हैं कि डॉक्टर लोगों को ट्रांसफर करने का, 42 डॉक्टर लोगों को ट्रांसफर करने के लिए ये लोग ऑर्डर भी चला दिया था कल। तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर ने अपनी ही सरकार पर सवाल किए। सुखेंदु शेखर ने सोशल मीडिया पर लिखा, सीबीआई को निष्पक्षता से काम करना चाहिए। आत्महत्या की कहानी किसने और क्यों रची, ये जानने के लिए पूर्व प्रिंसिपल और पुलिस कमिश्नर से हिरासत में पूछताछ जरूरी है। हॉल की दीवार क्यों गिराई गई, रॉय को इतना शक्तिशाली होने के लिए किसने संरक्षण दिया, 3 दिन बाद खोजी कुत्ते का इस्तेमाल क्यों किया गया, ऐसे सैकड़ों सवाल, उन्हें बोलने दीजिए। राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर ने कहा कि वो अपने मत पर अभी भी कायम है। दरअसल लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद उसके घर वालों को पहले आत्महत्या की खबर दी गई थी।
आजीकर अस्पताल की घटना को लेकर टीएमसी के अंदर ही अब संग्राम छिड़ गया है। खुद भतीजे अभिषेक बैनर्जी सवाल खड़े कर रहे हैं तो कई और टीएमसी नेताओं ने भी अब विरोध जताया है। ममता बैनर्जी की भतीजे अभिषेक बैनर्जी ने आजीकर अस्पताल में हुई हिंसा पर पुलिस कमिश्नर की भूमिका पर सवाल उठाए, जबकि ममता बैनर्जी ने विपक्षी दलों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। इतना ही नहीं, टीएमसी के भी कई नेता अब इस मामले में ममता बैनर्जी के खिलाफ आ गए हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है ममता के करीबी सुखेंदु शेखर रॉय का, जिन्होंने आरजीकर अस्पताल की घटना के खिलाफ बिना झंडे के विरोध किया। तो वहीं सवाल उठानों में दूसरा नाम है कुणाल घोष का, जिन्होंने संदीप घोष को बचाने का आरोप लगाते हुए अभिषेक बैनर्जी से हस्तक्षेप की मांग की थी। तीसरा नाम पूर्व सांसद शांतनु सेन का है, जिन्होंने संदीप घोष की भूमिका पर सवाल उठाए तो ममता बैनर्जी ने उन्हें प्रवक्ता के पद से ही हटा दिया। इसके अलावा 14 अगस्त को अस्पताल में हमले के बाद अभिषेक बैनर्जी का एक पोस्ट भी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कोलकाता पुलिस कमिश्नर को सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का अनुरोध किया था। देश में सेक्युलर सिविल कोड के मुद्दे पर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि देश की मांग सेक्युलर सिविल कोड की है, जिसे लागू करना चाहिए ताकि आम नागरिकों को उनका एक समान हक मिल सके। लेकिन पीएम मोदी के इस बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कड़ी आपत्ति जताई और साफ कहा कि उन्हें सेक्युलर सिविल कोड मंजूर नहीं। ये संविधान के खिलाफ है। संविधान में हर माइनॉरिटी को, हर मजहब वाले को अपनी आज़ादी दी गई है। सेकुलर की ये मानी नहीं है कि धर्म खत्म कर दिए जाएं। सेकुलर की मानी है हर धर्म की इज्जत की जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया और कहा कि ये देश शरिया कानून से नहीं चलेगा। यहाँ एक देश एक कानून, इसीलिए सेकुलर यूसीसी। इससे पर्सनल लॉ बोर्ड, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इनको मानना चाहिए। क्या देश में शरिया कानून चलेगा क्या? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस मुद्दे पर कांग्रेस का भी साथ मिला है। कांग्रेस ने इसे सियासी हथकंडा बताया। कोई भी कानून में आप परिवर्तन करेंगे तो सबसे चर्चा किए बगैर करेंगे तो वही होगा जो किसान कानून के साथ करना पड़ा, आपको वापस लेना पड़ा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने को लेकर अटकलें अब और ज्यादा दिखी तेज हो गई है। दावा किया गया कि चंपाई सोरेन के साथ 6 विधायक भी फिलहाल बीजेपी के संपर्क में हैं। और इन अटकलों ने तब और जोर पकड़ लिया जब चंपाई सोरेन खुद दिल्ली पहुंच गए। चंपाई सोरेन जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकले, मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया और उन पर सवालों की बौछार कर दी। लेकिन मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने ऐसी अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया। हम जो बोल दिया, हम निजी काम के लिए काम में आए हैं, और हम जहां पर हैं वहीं पर हैं। चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने की खबरों पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई। कांग्रेस ने इसे महज अफवाह करार दिया। ये अफवाहें भारतीय जनता पार्टी क्यों फैला रही है? क्योंकि उन्हें अपना हार का भय सामने दिख रहा है, इसलिए रोज कुछ न कुछ र्यूमर मॉन्गरिंग, अफवाह फैलाना उनका ये पुराना पेशा है। झारखंड के पूर्व सीएम को लेकर बीते कुछ दिनों से ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इन अटकलों को उस समय ज्यादा हवा मिली जब बीजेपी की तरफ से उनकी तारीफ की गई। हालांकि दिल्ली पहुंचे चंपाई सोरेन ने खुद उन अटकलों पर विराम लगा दिया। वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद सरगर्मियां और बढ़ गई हैं। चुनाव का ऐलान होते ही बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई। इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दलित वोटर्स को साधने के लिए बड़ा दांव खेला है। चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की कि राज्य मंत्रिमंडल ने हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में 20% कोटा आरक्षित किया जाएगा और इस कोटे का 10% वंचित अनुसूचित जातियों को आवंटित किया जाएगा। उपलब्ध 20% कोटे में से आधा प्रतिशत यानी 10% कोटा अन्य अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षित किया जाए। यदि कोई योग्य अभ्यर्थी अन्य अनुसूचित जाति में से नहीं मिलता तो उस स्थिति में वंचित अनुसूचित जातियों से अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से इस फैसले को विधानसभा चुनाव के बाद लागू किया जाएगा। हरियाणा में 1 अक्टूबर को एक चरण में मतदान होगा, जबकि मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। वहीं उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों पर भले ही सस्पेंस बरकरार हो, लेकिन उपचुनाव को साख की लड़ाई बना चुके सीएम योगी आदित्यनाथ कोई भी कोताही बरतने के फिलहाल मूड में नजर नहीं आ रहे। और इन 10 विधानसभा सीटों में फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट भी शामिल है, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की खास नजर है। यही वजह रही कि पिछले 15 दिन में तीसरी बार सीएम योगी ने अयोध्या का दौरा किया।
मुख्यमंत्री वहां रोजगार मेले में शामिल हुए और युवाओं को नियुक्ति पत्र भी बांटे। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। और अयोध्या को बदनाम करने वाले वही लोग हैं जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जिन लोगों ने अयोध्या को लौलुहान किया था। ये वही लोग हैं जो लोग बड़ी बेशर्मी के साथ एक चिकित्सक, एक डॉक्टर के साथ, एक महिला डॉक्टर के साथ हुई हवाईनेट पर बेशर्मी के साथ उन जल्लादों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सीएम योगी ने जहां कार सेवकों पर गोली चलाने की घटना का जिक्र कर हिंदुओं को गोल बंद करने की कोशिश की, वहीं रेप की घटनाओं का जिक्र कर अखिलेश समेत विपक्ष को निशाने पर भी लिया। चूंकि मिल्कीपुर सीट अयोध्या में आती है और राम मंदिर बनवाने के बावजूद बीजेपी यहां से लोकसभा चुनाव हार गई थी, इसलिए योगी आदित्यनाथ की पूरी कोशिश है कि मिल्कीपुर सीट को हर हाल में जीत लिया जाए। वहीं इस बीच मिल्कीपुर सीट को लेकर चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं, क्योंकि बीएसपी ने मिल्कीपुर सीट से राम गोपाल कोरी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद सियासत और ज्यादा तेज हो गई है। हाईकोर्ट के इस फैसले की वजह से जहां एक तरफ योगी सरकार को बड़ा झटका लगा, तो वहीं पिछले 4 वर्षों से नौकरी कर रहे शिक्षकों के बीच भी असमंजस की स्थिति बन गई है। साथ ही अब इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने न सिर्फ योगी सरकार पर हमला बोला बल्कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर भी तंज कसा। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, दर्द देने वाले दवा देने का दावा न करे। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश के एक कृपा प्राप्त उप मुख्यमंत्री जी का बयान भी साजिशाना है। पहले तो आरक्षण की हकमारी में खुद भी सरकार के साथ संलिप्त रहे और जब युवाओं ने उन्हीं के खिलाफ लड़कर लंबे संघर्ष के बाद इंसाफ पाया तो अपने को हमदर्द साबित करने के लिए आगे खड़े हो गए। दरअसल ये कृपा प्राप्त उप मुख्यमंत्री जी शिक्षा भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ नहीं है, वो तो ऐसा करके बीजेपी के अंदर अपनी राजनीतिक गोटी खेल रहे हैं। दरअसल यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया था, जिस पर अखिलेश यादव ने तंज कसा। अखिलेश यादव के तंज पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि सपा बहादुर कांग्रेस मोहरा अखिलेश यादव जी का पीडीए बहुत बड़ा धोखा है। झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन बनी सपा लोकसभा चुनाव में जैसे संविधान खत्म हो जाएगा का दुष्प्रचार किया, उसी प्रकार पीडीए का झूठ फैला रहे हैं। बीजेपी ही वर्तमान, बीजेपी ही भविष्य, 2027 में 2017 दोहराएंगे। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद पिछले 4 सालों से नौकरी कर रहे हजारों शिक्षकों के सामने भी अब बड़ा संकट खड़ा हो गया है। वहीं बिहार के मदरसों में पढ़ाई जाने वाली किताब तालीमुल इस्लाम पर विवाद खड़ा हो गया है। दावा है कि इस किताब में गैर इस्लामिक को काफिर बताया गया है और ये दावा राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने किया है, जिनके मुताबिक बिहार के मदरसों में पढ़ाई जाने वाली किताबें पाकिस्तान में पब्लिश होती है, साथ ही इन किताबों में गैर इस्लामिकों को काफिर बताया गया है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष है प्रियांक कानून को, उन्होंने यह सवाल खड़ा किया है और उन्होंने बताया है कि इस तरह की किताबें बिहार के जितने भी सरकारी फंड से चलने वाले मदरसों हैं उनमें पढ़ाई जाती है। मदरसों की किताबों में छपी ये बातें खुद सवाल उठा रही हैं कि क्या बिहार में कट्टरपंथी ताकतें हिंदू विरोधी एजेंडा चला रही हैं।